मजा आता है। आज लोग आते कहते सर एनसीईआरटी ना पढ़े, सर क्यों नहीं पढ़ोगे? सर इंफॉर्मेशन इज अ एंजॉयमेंट, एजुकेशन इज अ एंजॉयमेंट, आप क्यों मजबूरी में पढ़ रहे हो सर? एक साहब आके हमसे पूछे कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, हमने कहा गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हम कहते हम नहीं बता पाएंगे। चले गए मैनेजमेंट के पास कि वो ओझा से मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, तो कह रहा गर्लफ्रेंड ले लो, हमारे पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी भेजे। मैनेजमेंट को भी लगा कि यार बात तो सही कह रहा, तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, हाँ ये क्या यार तुम लड़कों से बोलते रहते हो? अरे मैंने कहा सर पूरी बात तो सुन लो, मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आई है इसमें, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई, उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। कनिष्क कटारिया, लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं, तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, कर देती है। तो मैंने कहा कि साहब ये बगल में बुद्धा पार्क है और कई सारे पार्क हैं, तो पेयर वहां पे बैठे लड़का लड़की सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, वहां वो टाइम नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि तो मजा आ रहा है, इसलिए पूछा था। जहां तुम्हें मजा आता है ना, वहां तुम टाइम के बारे में नहीं पूछते। मेरे ये कहने का मतलब था जितना मजा आए उतना पढ़ो।